हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो सुपर नीट क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सुनील कुमार। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी एंडोस्पर्म पे चल रहा है, और इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 9 के पार्ट ए में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बताया था। और आज हम अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलुबियल एंडोस्पर्म, फिर उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं और इसके हम डायग्राम को भी देखेंगे। डायग्राम मैं आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जगह की बहुत शॉर्टेज है, बोर्ड छोटा है, आपको मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन सब समझ में आएगा बराबर आपके, ठीक है। मैं लिखता भी इसी प्रकार से हूं कि आपकी समझ में आए, क्योंकि भले छोटा लिखा है थोड़ा, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादा कंटेंट आ जाए और आपको जल्दी समझ में आए चीज, ठीक है। तो देखिए, हम अब शुरू करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म को। इस सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म लिखा हुआ है, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, एक हमारा प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आएगी प्रॉपर, ठीक है, हर चीज समझ में आएगी, आपकी एनसीईआरटी में भी ये सब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है कि इसमें प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उस प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस में होता है डिविजन, ठीक है। उसमें डिविजन होने के बाद क्या होता है, एक से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब वन से टू न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर उसमें उस वो टू न्यूक्लियस भी डिवाइड करके एक सेल वॉल बना लेंगे। जब वो एक सेल वॉल को बना लेंगे, तो सेल वॉल में भी डिवीजन चलेगा। जब उस सेल वॉल में डिवीजन चलेगा तो क्या होगा, फिर टू इक्वल चैम्बर बन जाएंगे। उस सेल वॉल में अंदर टू इक्वल चैम्बर बन जाएंगे, और जब टू इक्वल चैम्बर बन जाएंगे तो चैम्बर बनने के बाद दोनों चैम्बर्स में, जब टू चैम्बर बराबर बनेंगे, अब उन दोनों चैम्बर्स में क्या होगा, डिवीजन होगा बराबर। और डिवीजन होने के बाद फाइनली जो एंडोस्पर्म है वो क्लस्टर के समान बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म। मैं आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलुबियल एंडोस्पर्म तीनों के मैं डायग्राम बनाऊंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें लिखना भी जरूरी है पेपर में, कम शब्दों में और अच्छे रूप में लिख के आना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है। अब देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म जो मैंने बताया था, देखते हैं, ठीक है। इन द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, क्या बोला, इन द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जो सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, जो सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट होता है, उसमें द फर्स्ट न्यूक्लियस डिवीजन जो सेलुलर एंडो न्यूक्लियस में क्या होता है, पहला डिवीजन होता है, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसके अंदर, ठीक है, ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म। किसमें होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होता है, मैंने बताया था। इज इमीडिएटली, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म में क्या होगा, डिवीजन होगा, तो इमीडिएटली तुरंत फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, तुरंत ही फिर वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर द फर्स्ट डिवीजन, जो फिर उसके बाद जो पहला डिवीजन है, जो पहला डिवीजन हुआ है, ठीक है, रिजल्टेड उसके परिणाम स्वरूप फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल साइज चैम्बर। उसके बाद क्या होगा, तुरंत बाद ही इक्वल साइज के दो चैम्बर बनेंगे, ठीक है। एक चैम्बर चार्जल एंड की तरफ होगा, दूसरा होगा माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ चैम्बर होगा, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या होगा, द सब्सिक्वेंटली आगे डिवीजन होगा और रेगुलर सेल वॉल फॉर्मेशन, डिवीजन होगा, फिर आगे डिवीजन होगा और रेगुलर सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म,
इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, इस टाइप के एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है इज कॉमन इन गैमोपेटल। इस टाइप के जो फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म में उसको हम बोलते हैं गैमोपेटल। ठीक है, एग्जाम्पल है, स्पेलिंग बोल देता हूं, PETUNIA, पिटोनिया। दूसरा है धतूरा। ठीक है, इसने क्या बताया, देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म, दोबारा बता रहा हूं, सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, 1 से 2 बन जाएंगे, डिवीजन होने के बाद फिर 2 के बाद क्या होगा उसमें, फिर उसमें तुरंत ही सेल वॉल बनेगी। सेल वॉल बनने के बाद 2 हमारे चैम्बर बनेंगे, एक माइक्रोपाइल की तरफ, एक चार्जर एंड की तरफ। ठीक है, उन दोनों चैम्बर्सों में भी फिर डिवीजन होगा लगातार। देन डिवीजन होने के बाद क्या होगा, फाइनली एंडोस्पर्म क्लस्टर के समान बन जाएगा, हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे हेलोबियल एंडोस्पर्म की, जो आपकी एनसीईआरटी में छुपा के दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइन दिया हुआ है। हम इसके बारे में अब बात कर लेते हैं कि हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है। देखिए, जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का मिक्सचर होता है। जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मिक्सचर होता है, दोनों के समान दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें दोनों में, और इसमें क्या है, डिवीजन, इसमें प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस होगा, इसमें भी सेम प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस होगा और डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद एक माइक्रोपाइल वाली तरफ चैम्बर बनेगा और दूसरा चैम्बर बनेगा चार्जर एंड की तरफ चैम्बर बनेगा। और जब दोनों की तरफ चैम्बर बनेगा, दोनों तरफ, उन दोनों चैम्बर्स में क्या होगा, डिवीजन होगा, सॉरी चार्जर एंड में डिवीजन नहीं होगा, माइक्रोपाइल वाली जगह पर डिवीजन होगा। जो चार्जर एंड वाला है वो एक होस्टिया के समान काम करेगा, अभी बताऊंगा, इसमें लिखा हुआ है, वो होस्टिया के समान काम करेगा। होस्टिया का मीन्स होता है फूड को सक करना, यानी कि जो चार्जर एंड है वो फूड को सक करने का काम करेगा, और माइक्रोपाइल वाली जगह है वो क्या करेगी, माइक्रोपाइल वाली जगह वो काम करेगी न्यूक्लियस का विभाजन, वो वहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन लगातार चलता रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म, इन द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इस टाइप का जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, ठीक है, द एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप। इंटरमीडिएट क्यों बोला, क्योंकि ये सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों के समान दिखाई देता है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया जो डिवीजन होता है इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, इज फॉलोड बाई सेल वॉल फॉर्मेशन, और उससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, एंड एज ए रिजल्ट 2 चैम्बर, उसके परिणाम स्वरूप 2 चैम्बर बनते हैं, यही मैंने आपको बताया था, एक माइक्रोपाइल वाली जगह पर बनेगा एंड दूसरा चार्जर एंड की तरफ बनेगा, CHLZA लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रही हो तो बता दे रहा हूं स्पेलिंग। ठीक है, चैम्बर बनेगा और आर फॉर्म, अब मैं इसको मिटा के आगे मैं लिख देता हूं फटाफट आपके लिए, फटाफट मैं लिख देता हूं। ठीक है, आर फॉर्म के आगे लिखूंगा, आर फॉर्म याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो कभी भूल जाओ, आर फॉर्म के आगे लिखूंगा मैं, याद रख लेना। ठीक है, बस मिट गया ये, पिछला लेक्चर देखा आपने, ये बताओ, अच्छा ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की,
बराबर रिवीजन कर रहे हो ना, देखो बराबर रिवीजन करते रहना, बराबर जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप पीछे जो बैकलॉग है उसका रिवीजन करते रहना, कोई भी कॉन्सेप्ट धुंधला मत पढ़ने देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट धुंधला नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी, ठीक है। मैं उसके आगे में लिख देता हूं, आर फॉर्म, देखिए आपके इसमें आर फॉर्म के आगे मैं लिख देता हूं अभी, जनरली ये मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर दूसरा लेता हूं मैं, ब्लैक मार्कर लेता हूं, थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इसे कर देना सही। जनरली द चार्जर सेल, जनरली GENERALLY, जनरली द चार्जर सेल CHALZA, चार्जर सेल, जनरली चार्जर सेल डज DOES, डज नॉट डिविजन, चार्जर सेल डज नॉट डिविजन, DIVISION, डिविजन फर्दर एंड फंक्शन एज FURTHER, फर्दर एंड फंक्शन एज एंड फंक्शन एज होस्टियम, HAUSTORUM, होस्टियम। मैंने बताया था कि जो हमारा चार्जल एंड वाला सिरा होता है वो होस्टियम के समान काम करता है। होस्टियम का मीन्स होता है फूड को सक करना, ठीक है। अब उसके बाद न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, NUCLEAR, न्यूक्लियर ऑफ द लार्ज न्यूक्लियर ऑफ द लार्ज न्यूक्लियर ऑफ द लार्ज माइक्रोपाइल सेल, लार्ज माइक्रो पाइल सेल, माइक्रोपाइल सेल डिवाइडेड बाई DIVISED, डिवाइडेड बाई रीच्ड RECHED, रीच्ड फ्री न्यूक्लियर FRENUCLEAR, फ्री न्यूक्लियर डिविजन DIVISION, फ्री न्यूक्लियर डिविजन एंड फर्दर डेवलपमेंट एंड फर्दर डेवलपमेंट DEVELOPMENT, फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस TAKE, टेक प्लेस, फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सेम वे एज द न्यूक्लियर NUCLEAR, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ENDOSPERM, एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये जनरली हमें मोनो कोटिलेडन में देखने के लिए मिलते हैं, HELOBIAL, हेलोबियल टाइप, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ENDOSPERM, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट इज प्रिवेंटेड PREVENTED इन
मोनोकोटिलेडनो MONO मोनो कोटी CO संग बराबर स्पेलिंग बोल रहा हूं आपके ताकि आपकी समझ में आता रहे मोनोकोटेली DONS मोनोकोटिलेडोन्स ठीक है ये है देख जो मैंने बताया था वो पूरा मैंने यहां कंप्लीट कर दिया है ठीक है। अब इसके आगे हम सम रिलेटेड टर्म्स ऑफ एंडोस्पर्म अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सम रिलेटेड टर्म्स कुछ टर्म्स देखेंगे एंडोस्पर्म से रिलेटेड ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को मैं समअप करता हूं और अपने कॉन्सेप्ट को धुंधला मत पढ़ने दीजिए पीछे जो भी आगे बढ़ रहे हैं हम पीछे का भूलना नहीं बराबर लेक्चर सुनना नोट्स पढ़ना ठीक है। मैं कभी भी आपको मैं टेस्ट के लिए बोल सकता हूं तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट।